भारतीय नौसेना का ये प्रतीक है, देश की गर्वगाथा का हिस्सा। भारतीय नौसेना का समर्पण और शौर्य हर कठिनाई को पार करने की शक्ति बनता आया है। हर दिन हमारी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए समर्पित भारतीय नौसेना का हर जवान नौसैनिक एक वीर होता है, जो अपनी जान की बाजी लगा देता है ताकि हम सब आजाद और सुरक्षित रह सके। हम वीर नौसैनिकों के पराक्रम और साहस के साथ गर्व महसूस करते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय सेना की इस इकाई में अनगिनत नौजवान शामिल होते हैं और देश के प्रति समर्पित रहते हैं। और आज ऐसे ही एक नौजवान के बारे में आप जानेंगे, जो अपने सब्र और शांति एवं कठोर परिश्रम की वजह से सफलता की राह चल के अपने इस सफर में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवव्रत दुबे की, जो कि मिर्जापुर के रहने वाले हैं। जी हाँ, ये वो जिला है जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ये वो जिला है जहाँ स्थित विंध्याचल धाम भारत के प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसी क्षेत्र के रहने वाले देवव्रत दुबे ने पहले अपने NDA एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम किया, पर एक बार नहीं, दो बार वो नाकाम रहे, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते रहे और फिर उन्होंने नेवी 10+2 BTEC एंट्री के लिए सफलता हासिल कर ही ली। देवव्रत दुबे का भारतीय सेना में जाने के लिए जज्बा काबिले तारीफ था। लगातार उनकी सफलता की राह में आ रही बाधाओं को न देखकर, अपनी राह से पीछे न हटकर देवव्रत ने साबित कर दिया कि हिम्मत नहीं टूटने दी, क्योंकि बहुत आगे तक जो जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी तो सफलता का परचम बुलंद कर दिखाना है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत दुबे है और मैंने हाल ही में 33 SSB बोर्ड भोपाल से नेवी 10+2 BTEC एंट्री के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। और मैंने अपनी SSB की तैयारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लखनऊ से की। बेसिकली मैं रहने वाला मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का हूँ और मेरे फादर के ट्रांसफ़र होने की वजह से मुझे NTPC कॉलोनी ऊंचार आना पड़ा फॉर परसुइंग माय हायर स्टडीज़। मेरे फैमिली में किसी ने नहीं सोचा हुआ था और हमारे बैकग्राउंड में और हमारे विलेज में बेसिकली आप कलेक्टर या DM या IS ऑफिसर्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली फ्रॉम दी सिविलियन बैकग्राउंड। सो हमारे यहाँ गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट व्हेन आई ज्वाइंड NCC तो मेरा जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया और मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि यस, यू परस्यू योर ड्रीम्स एंड माई फैमिली एंड everyone सपोर्टेड टू विजिट इन दिस लाइन। क्लास 10 पास करने के बाद जब मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ऑप्ट किया तो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो किसी अच्छी IIT और NIT में एडमिशन ले और एक अच्छा प्रेस्टिजियस और काफ़ी रिच पैकेज के साथ अपने लाइफ को सेटल करे। बट जब मैंने NCC ज्वाइन की क्लास 11th में और जब मैंने वहाँ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ और एक मिलिट्री लाइफ को ऑलमोस्ट 1 मंथ इन्जॉय किया तो मेरा कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन शिफ्ट हुआ और बेसिकली मैं अपने चाइल्डहुड से ही स्टोरीज़ और क्या कहते हैं कई सारी वॉर स्टोरीज़ और टेल्स को सुनते हुए बड़ा हुआ था। तो डेफिनेटली मेरे अंदर कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन पहले से ही था, बट उसके अंदर बूस्ट और मेजर चेंज क्लास 11th में NCC लेने के बाद ही आया। जब मैंने अपने पेरेंट्स से जिक्र किया कि मैं अपना ड्रीम परस्यू करना चाहता हूँ आर्म्ड फोर्सेज की तरफ और मैं अपना NDA का फर्स्ट अटैम्प्ट क्लास 12th में देना चाहता हूँ, तो मेरे फादर ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और बोला कि यस, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो करो एंड आई एम ऑलवेज विथ यू विद। और डेफिनेटली मेरे फादर ने और मेरी मदर ने हर तरीके से सपोर्ट किया। ये बहुत दुखी था, ये हो नहीं पा रहा था, दो बार कैंसिल हो गया। मैं सोची कि अभी कहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पे आया जब लखनऊ में मुझे पता चला तो यहाँ आया। मैंने इसको पहली बार मैं ही लेके आई थी, फिर ये यहाँ से जो है रिकमेंड हो गया। यहाँ के जो फाउंडर सर हैं श्री शिशिर सर जी, उनका विशेष रूप से मैं आभार और थैंक्स उनको करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारी फैमिली का ड्रीम जो पूरा किया है। ये हमारा लड़का देवव्रत दुबे जो 33 SSB भोपाल से अभी 10+2 इंजीनियरिंग के लिए अभी रिकमेंडेड हुए हैं, और इसके लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है।
मेरे फादर का मेरे सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स में काफ़ी सपोर्ट किया, जिस वजह से मैं क्लास ट्वेल्थ में रहने के बाद भी क्लास ट्वेल्थ का ऑलमोस्ट एनडीए का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो मेरे फैमिली ने हमेशा मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया और मुझे स्ट्रेंथ दी ताकि मैं अपने ड्रीम्स को इजिली परस्यू कर सकूँ। कहीं ना कहीं जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं क्लास 11 से अपना मेजर कंसर्न एनडीए एग्जाम के एनडीए रिटन एग्जाम की तरफ फोकस करूंगा, तो मेरे फ्रेंड्स जो कि आईटीजे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है और ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर बनता है, तुम प्योर सिविलियन बैकग्राउंड हो, तुम्हें देखते ही वो लोग एसएसबी से पहले दिन ही आउट कर देंगे और तुम्हारा इसमें कोई आगे करियर नहीं होने वाला है। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, एनडीए इज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग द सिविलियंस एंड मेकिंग देम ऑफिसर्स, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ एट द एसएसबी, इट्स नॉट अबाउट योर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में बिल्कुल मैटर नहीं करता है, आप अपने आप को किस तरह से उस पर्सनैलिटी को और उस चीज़ को एक्सेप्ट अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं जो एसएसबी में अंदर रिक्वायर्ड है। और श्योरली मैंने क्लास 11 से ही अपनी बेसिक पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं जब मैं इसमें अटल था और इसमें एकदम दृढ़ निश्चय हो गया था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, तो मेरे फ्रेंड्स का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने लगा था मुझे और वो मुझे इनिशिएट करते थे, मुझे चांस देते थे कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ, मेरी बात से वो लोग इन्फ्लुएंस होने लगे और कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे लगा कि यस आई एम हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड दैट इज़ अ मेजर ऑयल क्यू दैट आई एम पोजिसिंग इन माई सेल्फ। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए स्पीकिंग करता था, जिसमें मैंने अपने टेबल के सामने एक मिरर इंस्टॉल कर रखा था, वहाँ पे मैं ऑन गोइंग टॉपिक्स में अपने व्यू रखता था। फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम देयर वाज अ द स्टार्टिंग ऑफ द कमीशनिंग ऑफ द वेरियस अदर ऑफिसर्स लाइक द कमिंग ऑफ द CDS पोस्ट एट दैट टाइम, सो डेफिनेटली मैंने CDS में अपने पॉइंट्स बनाए और रखे कि क्यों CDS की रिक्वायरमेंट पड़ी, ऑल दो देर आर सेपरेट चीफ्स ऑफ द वेरियस आर्मीज, सो कहीं ना कहीं डिफरेंट पॉइंट्स पर मैं बोलता था और अपने आप को OLQs के हिसाब से अपने आप की प्रिपरेशन मैंने 11 से स्टार्ट कर दी थी। जब हम आर्म्ड फोर्सेस में जाने का डिसीजन लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी और स्टेमिना का बूस्ट होता है, फिर हमारे अंदर कई सारी चीज़ों को मैनेज करके चलने का एक जज्बा हो जाता है। तो फिर जब मैं क्लास ट्वेल्थ में अपने एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रेशर को भी इक्वली मैनेज कर लेता था, क्योंकि मेरा मैथ्स का सिलेबस ऑलवेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन की वजह से, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने स्कूल और अपने ऑनलाइन कोचिंग से कवर कर लिया था, मैं अपना इक्वल टाइम स्टडी ट्वेल्थ की स्टडी के लिए ITJE के लिए और एनडीए प्रिपरेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता था और अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए भी स्ट्रेंथ करता था। और कहीं ना कहीं मुझे अपने स्लीपिंग आवर्स में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, मुझे अपने स्लीपिंग आवर्स जो कि नेचुरली 8 आवर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करके 5 to 6 आवर्स में लाना पड़ा था। जब मैंने अपने क्लास ट्वेल्थ को कम्प्लीट किया तो मैंने अपना अप्रैल मंथ में एनडीए के एग्ज़ाम के बाद अपना ITJE मेन्स का एग्जामिनेशन भी दिया, उसमें मैंने 92% स्कोर किए और मुझे पता था कि इसमें साल में 2 बार, एक बार आर्मी के लिए और एक बार नेवी के लिए डायरेक्ट इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी आती है, ऑल दो ये वैकेंसी कम होती है लेकिन ये हमारी जेई मेंस और क्लास 12 की परसेंटेज पे डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं एनडीए एक मेजर वैकेंसी थी, इसमें मेरा मेजर कंसर्न था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसकी प्रिपरेशन में इसकी प्रिपरेशन में भी लगा हुआ था, क्योंकि इसमें सिर्फ SSB की प्रिपरेशन करनी होती है और एनडीए में हमें रिटर्न की प्रिपरेशन करनी होती है, तो मेरी SSB की प्रिपरेशन एनडीए से ही चल रही थी और फिर मैंने इसको अपने नेवी टेक के SSB में इम्प्लीमेंट किया। सो जब मैंने अपना NDA 150 का रिटर्न एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम अपियरिंग 12th में क्रैक किया तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्लास 11 से कर रहा था उसे मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में निकाल लिया। ऑन द रिजल्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट डे मैंने अपनी बेसिकली SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मैंने कई यूट्यूब वीडियोज़ और ऑनलाइन जरिए से सेल्फ स्टडी करने के प्रयास किया और पहला SSB अटैम्प्ट मैंने खुद से विदाउट एनी प्रिपरेशन दिया। फिर मैं वहाँ गया तो मुझे PPDT में ग्रुप के साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई और कहीं ना कहीं वहाँ पे नरेशन पार्ट और स्टोरी मेकिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से पहले अटैम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया। सेकेंड अटैम्प्ट में फिर मैंने दोबारा NDA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी NDA 151 की, और इस बार भी मेरा रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद फिर मैंने यूट्यूब में डिफरेंट सोर्सेज की वजह से सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के बारे में मुझे पता चला, फिर वहाँ जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर की तो मैं तुरंत यहाँ आ गया अपने NDA की प्रिपरेशन के लिए, और इस बार मेरा स्क्रीनिंग में कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था, मैंने काफ़ी अच्छा नरेशन दिया, काफ़ी अच्छी स्टोरी दी और मेरा OIR भी अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली सम सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरा ग्रुप डिस्कशन उतना अच्छा नहीं जा पाया और मैंने कहीं ना कहीं डोमिनेटिव
बिहेवियर शो किया, तो मैं उस अटेम्प्ट में भी स्क्रीन आउट हो गया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना नेवी टेक और TES की SSB के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और नेवी टेक के SSB में जब मैं गया तो वहाँ मेरे माइंड में कई चीज़ें थी कि मैंने जो लास्ट SSB में मिस्टेक की है उसे मुझे रिपीट नहीं करनी है और मुझे ग्रुप डायनामिक्स दिखाना है। आई हैव टू कोऑपरेट विद द ग्रुप, लिसन टू अदर्स एंड देन ऑल्सो पुट माई पॉइंट्स फॉरवर्ड। सो बेसिकली मैंने उसको फॉलो किया और मैंने अच्छी स्टोरी बनाई। OIR भी मेरा काफ़ी अच्छा था और बेसिकली मैं उसमें स्क्रीनड इन हुआ। आउट ऑफ 146 36 गॉट स्क्रीनड इन। सेंचुरियन मेरा स्टे काफ़ी अच्छा था। सुबह हम 5 बजे उठते थे, उसके बाद हमें फिजिकल फिटनेस के लिए ले जाया जाता था। वहाँ फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम हमारी क्लासेस 3-9 बजे से होती थी। उसके बाद फिर हम जाते थे, पहले हमारी 9 to 10 वैभव सर की जनरल अवेयरनेस एंड मिलिट्री अवेयरनेस की क्लास होती थी। वहाँ पर हम अपने नोट्स बनाते थे और अपने लेक्चरेट और GD टॉपिक्स के लिए फैक्चुअल पॉइंट्स को स्टोर करते थे। उसके बाद फिर हमारे मोटिवेशनल सेशंस भी होते थे, जिसमें हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, कभी मेजर जनरल सर, कभी ब्रिगेडियर सर के द्वारा हमें मोटिवेट किया जाता था। और कहीं ना कहीं उसे सुनने के बाद हमारे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन हो जाता था और ये दृढ़ निश्चय हो जाता था कि यस, हमें रिकमेंडेशन लेना है और इस फौज का हिस्सा बनना है। उसके बाद हमारी डिफरेंट क्लासेस होती थी, कभी हमारे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और कई की चीज़ें होती थी। मंडे को हमारे PPDT सेशंस होते थे, जिसमें हमें इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता था कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमें हमारी स्टोरी पे बताया था कि हमारी स्टोरी कहाँ पे लैग कर रही है, हमें ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में बताया जाता था, हमारे लेवल ऑफ नरेशन के और हमारी PPDT में हमें स्क्रीन इन, बॉर्डर लाइन और स्क्रीन आउट के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें GTO ग्राउंड ले आया जाता था सैटरडे को, जहाँ हम डिफरेंट आउटडोर टास्क और डिफरेंट GTO टास्क को टारगेट करते थे। और वहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, जो कि हमारे SSB बोर्ड से काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करते थे, तो हमारे SSB बोर्ड में काफ़ी सरल होते थे। तो काफ़ी अच्छा स्टे था, मैंने काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाए और हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में रहते थे। एक साथ खाना खाने, एक साथ रहना और एक साथ उनके फीलिंग्स को एसोशिएट करना, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं अपने घर के बाहर एक कलेक्टिव अप्रोच में एक हॉस्टल लाइफ फॉर 21 डेज लिव की, और ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मैं अगर अपने TES SSB की और नेवी टेक की बात करूं, तो JEE मेंस के अप्लाई करने के बाद जब मैं NDA 152 के रिटर्न की तैयारी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसके भी नोटिफिकेशन आया। तो मैंने सोचा कि इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ज्वाइन दी नेवी और आर्मी एज एन इंजीनियर, बिकॉज डेफिनेटली हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं अच्छे इंजीनियर्स की फ़ौज में ज़रूरत है। तो फौज में सर्व करना है, वेदर इट्स इन्फेंट्री और वेदर इट्स इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो मैंने फिर नेवी टेक SSB के लिए अप्लाई किया और मेरे 16 सितंबर को ऑन द सेम बोर्ड जहाँ मेरी फर्स्ट SSB थी, 33 SSB बोर्ड भोपाल में मेरी रिपोर्टिंग थी। और इस बार मैंने अपनी पिछले 2 SSB में जो भी मिस्टेक्स की थी उसको रिवाइज नहीं किया और मैं इस बार स्क्रीन इन हो गया। जब मैं आउट ऑफ 146 36 स्टूडेंट्स में स्क्रीन इन हो गया, तो काफ़ी एक्साइटेड था और मैंने अपने फादर को इन्फॉर्म किया। मेरे फादर और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी एक्साइट थे कि यस, आफ्टर 2 सक्सेसिव स्क्रीन आउट्स फाइनली आई क्लियर द स्टेज 1। और स्टेज 1 क्लियर करने के बाद फिर मैंने अपना पूजा फोकस और अपनी स्टेज 1 की हैप्पीनेस को साइड में करते हुए अपना फोकस रिकमेंडेशन की तरफ वो किया, अट्रैक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने अपने साइकोलॉजिकल टिप्स, जो कि ऑनरेबल शशि दीक्षित सर ने बताया था, मेरा साइकोलॉजी काफ़ी अच्छा गया और मेरा पर्सनल इंटरव्यू भी, 3-3 इंटरव्यू मैंने दिए थे कर्नल प्रमोद सर को, कर्नल शर्मा सर को और ब्रिगेडियर RP सिंह सर को मैंने दिया था। और मेरे को पूरे CIQs और पूरे इंटरव्यू के पूरे फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज थे, तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। उसके बाद GTO टास्क भी मेरे काफ़ी अच्छे गए थे। ग्रुप डायनामिक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया था कि GTO इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज विथ योर ग्रुप मेंबर्स, इट नॉट अबाउट योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सो मेरा ग्रुप डायनामिक्स काफ़ी अच्छा था और उस वजह से ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड एंड क्वाइट नर्वस दो कि क्या होगा रिजल्ट, बिकॉज मैं अब कहीं ना कहीं 80-20 था कि 80% मुझे श्योर था कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगा और 20% था कि यार क्या पता ना हो, कोई मिस्टेक हो गई हो। बट एट द कॉन्फ्रेंस दे सिंपली आस्क्ड मी क्वेश्चंस, हाउ वॉज योर स्टे, हाउ वॉज योर फूड, हाउ विल यू रेट योर परफॉर्मेंस एंड थैंक यू। सो लगा कि कॉन्फ्रेंस छोटी हुई है, तो या तो क्लियर रिकमेंडेशन या तो क्लियर आउट है। बट ऑल दो बाई दी गॉड्स ग्रेस आई क्लियर द SSB एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म माई पेरेंट्स।
ये काफ़ी अमेजिंग स्टोरी है बिकॉज ऑन द 20th September मेरे पेरेंट्स वैष्णो देवी से लौट रहे थे, तो मेरे पेरेंट्स वहीं पे ही थे, उन्होंने जस्ट अभी सीढ़ी से उतरे ही थे वो लोग, जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि पापा आई गॉट रिकमेंडेड, तो मेरे पापा बहुत एक्साइट हुए, बोले अरे बेटा वाह आई वॉज नोइंग, क्योंकि तुम्हारा स्टेज 1 ही नहीं क्लियर हो रहा था, मुझे तो तुम्हारे स्टेज 2 पे काफ़ी कॉन्फिडेंट था। मेरी मम्मी बींग इमोशनल वो रोने लगी और बोली कि मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हारा हो जाएगा हो जाएगा। तो बेसिकली काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस था, मैंने अपने दादी को भी इन्फॉर्म किया और पापा को भी इन्फॉर्म किया, अपने टीचर्स को और सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी भी इन्फॉर्म किया, तो इट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और रिकमेंडेशन प्राप्त करने से ज़्यादा खुशी होती है जब हम उसको अपने क्लोज वंस और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, तो ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। The mentors at the Centurion Defence Academy are really fantastic and they are very cooperative with the students. वो students की नीड के हिसाब से उन्हें prepare करते हैं और यहाँ पर individual feedback दिया जाता है हर student को कि वो किस area में weak है और उसे कैसे improve करना है। हमारे यहाँ program 21 days का होता है क्योंकि हम usually भी नो किसी भी personality trait को develop होने में 21 days का time लगता है, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर और हर तरह के guidance provide की जाती है, इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, किस तरह आप ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं उस तरह कर्नल शर्मा सर और कर्नल प्रमोद सर आपके जीरो टास्क को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं, हमें SGT और PGT में काफ़ी अच्छे आइडियाज़ को टेकल किया जाता है कि कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, हमें कोई आइडिया ना आ रहा हो और हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज होती हैं यहाँ पे सुबह शाम और GTO ग्राउंड में, जिस वजह से हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाता है। और बेसिकली मैं शशि दीक्षित सर के बारे में कहना चाहूँगा, सर की साइकोलॉजिकल क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी वर्दी हुआ करती थी और हम काफ़ी इन्जॉय करते थे, हम SRTs में और TATs में फील करते थे अपने आप को एज अ उस पिक्चर में हमें इस तरह से बताया जाता था कि हम अपने आप को फील करते थे कि यस वी आर द हीरो एंड वी आर डूइंग दिस टास्क। और SRT में तो काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा सर की क्लास में कि हाउ वी मैनेज द टास्क, हमें टास्क को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, जब तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया हुआ है, सिंपल फायर लिखा हुआ तो हमें फायर ब्रिगेड या बहुत भयंकर एक्सटिंग्विशर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें बेसिक उसको नॉर्मल लेट पे डील करना है। तो SRTs एंड WATs एवरीथिंग वाज परफेक्टली ऑल राइट एंड इंटरव्यू मैंने बताया पहले ही कि ब्रिगेडियर RP सिंह सर से लिया, तो उन्होंने पूरे CIQ और पूरा रियल एनालिसिस दिया था कि इंटरव्यू कैसा होता है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा सेंचुरी डिफेंस अकेडमी के साथ। सर के अकेडमी में यहाँ आया तो इनका जो कॉन्फिडेंस था काफ़ी ऊपर गया, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर को और इनके एकेडमी को, ये इस प्रकार की मोटिवेशन का काम करते हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बस एक चीज़ मैं जानता हूँ और मैंने उसको देखा भी है और पाया भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, अगर ईमानदारी से अपने काम को करता है तो डेफिनेटली वो अपने लक्ष्य को पाएगा। आप लोग भी 100% स्टूडेंट का जो दायित्व है, जो आपका काम है ईमानदारी से पढ़ाई करना और जो आपका ड्रीम है उसको पूरे ईमानदारी से करना, तो डेफिनेटली आप सब एक दिन आर्म फोर्स के ऑफिसर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और एक बार मैं फिर से अदानी सर का जो देश की सेवा में ऑफिसर तैयार कर रहे हैं आपका धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को दोहराऊं। द मोटिवेशन एंड द डेडिकेशन फॉर क्लियरिंग द SSB डेफिनेटली विल लीड टू क्रैक द SSB। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक अच्छे मेंटोरशिप की तरफ जरूर जाना चाहिए बिकॉज हमें वहाँ अपने आप को नेचुरली रिप्रेजेंट करना होता है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, पर कहीं ना कहीं अगर हम एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन लेके चलते हैं बैकग्राउंड में तो हमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। हम अपने आप को जब तक ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करेंगे और ग्रुप के साथ अपने आप को डिपेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ हम नए फेसेस को देखते हैं, नए असेसर्स को देखते हैं और नए स्टूडेंट्स को, नए कैंडिडेट्स को देखते हैं। यहाँ हम 21 डेज में अपने फ्रेंड्स के साथ जब कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी गाइडेंस के साथ जाने के साथ और अपने डेडिकेशन को और अपने मोटिवेशन को कभी भी लूज़ नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें आपको सक्सेस और फेलियर दोनों को साइमल्टेनियसली मैनेज करके चलना होगा। अगर आपको कंसेक्यूटिव फेलियर आ रही है तो गिव अप वाला अप्रोच कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्सेज में अलाउड नहीं है, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली आर्म्ड फोर्सेज में जाने का मोटिवेशन तो NCC था ही, पर डिफरेंट स्टोरीज, जैसे कि मैंने बताया था कि टेल्स एंड ब्रेवरी स्टोरीज ऑफ आवर वॉर हीरोज, वन सच स्टोरी वॉज ऑफ द PVC सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल सर, कि कैसे 21 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने IT एग्ज़ाम क्रैक करने के बावजूद उन्होंने PVC को प्राप्त किया और इतनी ब्रेवरी और इतनी इंटेंस लेवल की पैट्रियाटिक फीलिंग को डिपेक्ट किया उन्होंने वर्ल्ड के सामने।
सो डेफिनेटली सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल से मेरे मोटिवेशन थे और कहीं ना कहीं मैं कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी सुनता था, तो और ऊपर से मेरे को आर्म्ड फोर्स में जाने का था, तो मैं अपने आप प्रिपेयर कर चुका था कि मैं 10 बार भी फेल होऊंगा तो 11वीं बार भी मेरा मोटिवेशन पहले बार से ज़्यादा ही रहेगा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो, आन बान शान हो या जान का हो दाम, आज इस गणित के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। इस दिवाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लेकर आई है आपके लिए बेहतरीन ऑफर। जी हाँ, अब पाइए इस दिवाली सभी रिटन ऑफलाइन कोर्सेज पर 20% की छूट, जो कि सिर्फ वैलिड है भाई दूज तक। तो बिना किसी देरी के अभी कॉल करें 9795977776 पर